बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो जी दोस्तों, आज जो मेरे वीडियो का टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ठीक है। इसको मैं कौन कौन से टिप्स और जो ट्रिक्स मैं आपको बताऊंगा ना, उस तरह आपने इससे कम्युनिकेट करना है, ठीक है। हमारा टॉपिक क्या है कि भाई हम अपने जो ब्रांड है ना उससे किस तरह कॉन्टैक्ट करते हैं, किस तरह कम्युनिकेट करते हैं, और उसको जब हम कॉल करते हैं तो उस पर हमारे क्या स्टेप्स होते हैं उनसे बात करने के, ठीक है। प्रॉपर इसमें वे होता है, आपने प्रोफेशनल होके उनसे कॉन्टैक्ट करना होता है, ठीक है। जो जो मेरे पाकिस्तानी भाई या जो भी हैं इंडिया या इधर के जो भी करते हैं ना, इशू करते हैं कि आप क्या करते हैं, आप प्रोफेशनल होकर बात नहीं करते। आपको यही होता है कि भाई हम पाकिस्तान से बात कर लें, तो ऐसा मुमकिन नहीं होता। मतलब कि बहुत ही रेयर चांसेस होते हैं कि ब्रांड आपको अप्रूवल दे, ठीक है। इसमें आपको किन किन चीज़ों का एहतियात करनी है, इंशाल्लाह मैं आपको फुल वीडियो में इंशाल्लाह डिटेल में बता दूंगा, ठीक है। वीडियो की तरफ जाने से पहले मैं फ्रेंड्स से कहूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और आगे फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, ठीक है। फ्रेंड इसमें आपने क्या करना है, तो ये वीडियो जो है ना जस्ट सिर्फ 4 से 5 मिनट्स की होगी, लेकिन ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव होगी, ठीक है। इसको आप देख लेंगे तो इंशाल्लाह आपके जो भी है ना क्यूरीज वगैरह वो इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगी। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको ब्रांड को बताया हुआ है किस तरह आपने निकालना है, ठीक है। आपने अगर वो वीडियोस नहीं देखी तो आप देख लें, ठीक है। आपने किस तरह उनको ईमेल करनी है वो सारा कुछ मैंने आपको बता दिया है। अच्छा, आज अब हम उनसे किस तरह कॉन्टैक्ट करते हैं, ठीक है। आपका प्रोफेशनल वे क्या है, फर्स्ट आपका क्या है, आप सबसे पहले फर्स्ट स्टेप हमारा क्या है, फर्स्ट सेंड डिटेल्स फ्रॉम प्रोफेशनल ईमेल, ठीक है। आपके पास जो वेब मेल है ना, प्रोफेशनल ईमेल है, आप सबसे पहले उसको अपनी जो क्यूरीज है वो आप उसको सेंड कर देंगे, ठीक है, कि भाई मैं आपके साथ होलसेल अकाउंट खोलना चाहता हूँ, ठीक है। ये मेरी डिटेल्स है, LLC जो सारा कुछ मैंने आपको टेम्पलेट प्रोवाइड किया हुआ है, ठीक है। आपने क्या करना है, वो सबसे पहले स्टेप क्या है, उनको ईमेल सेंड कर देनी है, ठीक है। उसके बाद क्योंकि ब्रांड्स आपको कॉन्टैक्ट जॉब नहीं देते हैं, ठीक है, ईमेल पे ज़्यादातर। ईमेल में आपको क्यों कह रहा हूँ करने का, फर्स्ट जब आप उनको कॉल करेंगे ना तो क्या होगा, नेक्स्ट वो आपसे पूछेंगे भाई आपने हमें ईमेल कर दिया, तो आप उनको कहेंगे यार मैंने तो ईमेल नहीं किया, तो ऐसे क्या होगा, उनका भी टाइम वेस्ट होगा और आपका भी टाइम वेस्ट होगा। हो सकता है नेक्स्ट टाइम आप कॉल करें वो आपकी कॉल ही पिक ना करें, ठीक है। सबसे पहला स्टेप क्या है, आपने उनको ईमेल सेंड कर देनी है, जो मैंने आपको टेम्पलेट वगैरह दिया हुआ है A to Z आपने सारा कुछ उसके ऊपर सही सही लिखना है, ठीक है। सेकेंड स्टेप आ जाए, सेकेंड स्टेप में आप क्या करते हैं, सबसे पहले हेलो या हाय, ठीक है, माय नेम इज हैरी, या आपने ये क्या, मैं आपको क्या बता रहा हूँ, आपने सिर्फ ये नहीं, ये जो आपका नाम है ना आपने इधर कुछ भी हैरी जॉन कुछ भी आपने लिखना है, ठीक है, कौन सा जो आपका अंग्रेजों का जो नाम होता है, ठीक है। माय नेम इज हैरी, आपने ये नहीं लिख देना सुल्तान रही या इस तरह उर्दू में आप कह दो मैं ये बात कर रहा हूँ तो मैं ये बात कर रहा हूँ, इस तरह का आपने पाकिस्तानी नाम नहीं लेना, तो वो उनको पहले ही डाउट हो जाता है यार ये पता नहीं कौन है कहाँ से कॉल आई है, ठीक है। तो इससे आपका जो इंप्रेशन है ना वो गलत पड़ता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है, माय नेम इज हैरी जॉन या कोई भी, अगर आप लड़की है तो आपने कोई भी गूगल से ले लें, लेडी डियाना या इस तरह जो भी नाम है ना अंग्रेजों के जो होते हैं आपने वो पिक कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या उसको कहना है, होप यू आर फाइन, आई एम फ्रॉम दिस LLC, ठीक है। आपने क्या करना है, दिस LLC इधर आपने LLC का अपने नाम बताना है उसको, ठीक है, जो भी एक्सपर्ट LLC है जो भी आपका नाम है ना LLC का आपने वो बता देना है, ठीक है। उसके बाद आपने उसको क्या कहना है, वी आर लोकेटेड एट टेक्सास या जिधर भी है आपका, ठीक है, डैलस में है, टेक्सास में है, वार्मिंग में है, जिधर भी है ना, मतलब कि एक्यूरेट इधर बताना है, इधर आपने झूठ नहीं बोला क्योंकि आपने ये सारी डिटेल उनको सेंड करनी है, वो आपको वो काउंटर चेक करेंगे, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, लोकेटेड एट टेक्सास, जो सी भी आपकी सिटी है जो सी स्टेट है आपने वो चीज़ उसको बता देनी है। आई एम कॉलिंग यू फ्रॉम होलसेल अकाउंट, ठीक है, कि मैं आपको कह रहा हूँ कि भाई मुझे ना होलसेल अकाउंट ओपन करना है, कुड यू प्लीज़ सेंड मी अ होलसेल एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है, कि काइंडली कि आपने मुझे अपना जो होलसेल एप्लीकेशन फॉर्म है ना ब्रांड से आपने कहना है कि आप काइंडली मुझे वो सेंड कर दें, ठीक है। बाकी जो उसकी जो क्यूरीज होगी, जो क्वेश्चन होगा वो आपसे पूछेगा, ठीक है, फिर आपने उसको उस चीज़ का जवाब देना है। इसमें यह है कि आपकी जो इंग्लिश है ना वो थोड़ी सी सही होनी चाहिए, आपका एसेंट वगैरह काफ़ी मायने रखता है ब्रांड को जब आप कॉल करें, ठीक है, क्योंकि ब्रांड से अप्रूवल लेने का यही वाइद रास्ता है, जो आसान तरीका है, ठीक है। आपने उसको क्या कहना है कि भाई आप मुझे अपना एप्लीकेशन फॉर्म सेंड कर दें, ठीक है, क्योंकि जब वो सबसे पहले आपसे यही पूछेगा कि भाई आपने मुझे पहले जीमेल पे ईमेल पे अपना सारा कुछ सेंड कर दिया डिटेल, तो आपने कर देना है पहले, ठीक है, एक दिन पहले आपने करना है, नेक्स्ट डे कॉल करनी है, कहना है यस
आप मैंने आई विल प्रोवाइड यू ऑल डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। उसके बाद आपसे वो क्या मांगेगा इसमें, ठीक है, आपसे वो कहेगा जब एप्लीकेशन फॉर्म आपको देगा ना, उसमें क्या होगा, रीसेलर सर्टिफिकेट होगा, EIN होगा, टैक्स ID होगी, आपका फ़ोन नंबर होगा, USA का एड्रेस वगैरह मांगेगा, या फर्दर जो जो डिटेल्स आपसे मांगेगा ना वो यही होगा आपसे। वो क्या आप एक्स्ट्रा मांग लेगा, भाई आप कितने सालों से काम करें, कितने डॉलर्स आप जनरेट करें, कितने की आप शॉपिंग करेंगे, ये फर्दर आपसे सारा कुछ डिटेल वो मांगेगा। आपने एक्यूरेट उसको सारा कुछ A to Z बता देना है, ठीक है, और एक्यूरेट सही बताना है, ठीक है। सेल्स का हम आगे पीछे, वो हमारी सेल तो हमारा डमी अकाउंट होता है ना, उस पर हम कुछ आगे पीछे लिख देते हैं वैसे ही अत्यातन के, भाई $10,000 है, $20,000 है, या $50,000 की हम मंथली रेवेन्यू सेल कर रहे हैं, ठीक है। ये आपको उम्मीद है ये सारा कुछ समझ आ गई होगी, आपने ब्रांड से किस तरह बात करनी है, ठीक है फ्रेंड। आपने ये जो है ना यहाँ पे अपना कोई भी नाम अंग्रेज़ों वाला लिखना है, USA का जो भी लोग यूज़ करते हैं, ठीक है, हैरी हो गया, जॉन हो गया, स्मार्टी हो गया, कुछ भी लाइक USA का नाम। इधर आपने अपने LLC का नाम बताना है, इधर आपने इधर जो आपका स्टेट है, सिटी है, वो बताना है, ठीक है। मैं आपको दोबारा मेंशन करूँ, बाद पाकिस्तानी इतने सादे होते हैं कि जो मैंने यहाँ पे लिख दिया तो वही चीज़ वो बोल देंगे, या वही है, इसी तरह ईमेल उनको भेज देंगे, ठीक है। आपने इस तरह नहीं करना फ्रेंड। उम्मीद है आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी होगी। बाकी इसी तरह वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और आगे फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, ठीक है। अगर आपके पास टेम्पलेट नहीं है तो मैं इसके भी ना डिस्क्रिप्शन में आपको ईमेल का टेम्पलेट भी सेंड कर दूंगा, ठीक है। जिसने अगर वीडियो मेरी नहीं देखी ना पहले वाली, तो मैं इसके नीचे भी आपको टेम्पलेट नीचे सेंड कर दूंगा, ताकि आपके लिए ईजी हो सके, ठीक है। मुझे ज़्यादा दिन दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बेस्ट ऑफ लक।